सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अगर आप लोग भी फेसबुक अकाउंट परमानेंटली के लिए डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कैसे करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आप वीडियो को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं फेसबुक अकाउंट यहाँ पर मैंने लॉग इन कर रखा है और मैं फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे फुल वीडियो के ध्यान से देखना होगा, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड, वीडियो की स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिए ताकि आने वाला हर नया अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड्स, क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को फेसबुक अकाउंट को इस तरीके से ओपन करेंगे। फेसबुक को हम यहाँ पर ओपन करेंगे, ठीक है? इस तरीके से ओपन करने के बाद थ्री लाइंस मिलती है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है? मैं आप लोगों को जेन्युइन तरीके बताएंगे, नया तरीका बताएंगे 2023 का, ठीक है? नया वीडियो अपलोड हो रहा है, इस तरीके से आप लोग डिलीट कर पाओगे तो आसानी तरीके से आप लोग अपना जो फेसबुक अकाउंट होता है परमानेंट के लिए डिलीट कर पाओगे, ठीक है? इसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे आता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखने को मिलता है आप लोगों को जैसे कि सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक करेंगे। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस तरीके से सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक किया, सेटिंग एंड प्राइवेसी क्लिक करने का सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे मेटा अकाउंट मेरा होता है ओपन है, ठीक है? इसके बाद आप लोग पर्सनल डिटेल यहाँ पर मिलती है, चेंज पासवर्ड सिक्योरिटी, ठीक है? तो पहले नंबर पर इस तरीके से क्लिक करना होगा, ठीक है? इसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे आता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखने मिलता है पर्सनल डिटेल्स, ठीक है? इस पर क्लिक करेंगे, पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शो करता है और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ शो करती है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर देखने मिलता है अकाउंट, आपका यहाँ पर देखने मिलता है कंट्रोलर, ठीक है? इस पर आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, एक ऑप्शन देख तो मिलता है आप लोगों को ऊपर साइड में और एक नीचे साइड में, तो आप लोग नीचे साइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखने मिलता है, यहाँ पे देखने मिलता है डीएक्टिवेशन और योर डिटेल्सन, ठीक है? तो आपको डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लो एक्टिवेशन और डिटेल्सन, ठीक है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख मिलता है एक्टिवेशन और डिलीटेशन, ठीक है? इस पर आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल होती है फेसबुक वाली यहाँ पे आ जाएगी, इस पर आपको इस तरीके से क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखने मिलता है डीएक्टिवेशन और यहाँ पे डीएक्टिवेट अकाउंट, ठीक है? और यहाँ पर देखना डिलीट अकाउंट, तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। इसके बाद यहाँ से फिर से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बोलता है बिफोर योर डिलीट वी माई बी ऑलवेज टू हेल्प। आप लोग ये अकाउंट किस लिए डिलीट करना चाह रहे हो, तो आप लोग पहला ऑप्शन, कोई भी दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ। इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद फिर से यहाँ पे बोलता है कंटिन्यू करने के लिए, तो कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखने मिलता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र, ठीक है? यहाँ पे आपको बोलता है डाउनलोड योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे डिलीट करना है तो आपको नीचे इस तरीके से कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को जो पासवर्ड होता है, आपका पासवर्ड होता है, आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है? तो चलिए मैं फ्रेंड्स अपना जो पासवर्ड होता है मैं अपना डाल देता हूँ, ठीक है? सो फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद आप लोग जैसा कि पासवर्ड डालोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस। इसके बाद यहाँ पे देखना डिलीट अकाउंट, तो आप लोग डिलीट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। डिलीट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर जो आपका अकाउंट होता है डिलीट हो जाता है। आप लोग फिर से लॉग इन करोगे तो आप लोग यहाँ से लॉग इन नहीं कर पाओगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है? आप लोग यहाँ पे लोडिंग ले रहा है और जो आपका अकाउंट होता है यहाँ से परमानेंटली के लिए डिलीट कर दिया गया है, यहाँ से कन्फर्म करेंगे। और आप लोग कन्फर्म करने के बाद आप लोग यहाँ पे जो अपना अकाउंट होता है यहाँ से आप लोग डिलीट कर पाओगे। जैसे कि देख सकते हो योर अकाउंट दिस शेड्यूल्स ऑफ डिलीटन ऑन जून, इतना जून को आपको ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर तरीके से डिलीट हो जाएगा, ठीक है?
तो फ्रेंड्स आप लोग इस तरीके से आप लोग फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर पाओगे। सो फ्रेंड्स बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।